Hello, my name is Shivam Royal and professionally I am a mechanical engineer along with a proud digital networker. So I welcome you all guys, I welcome you all on my YouTube channel. और YouTube पे मुझे अगर पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, सो दैट आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहीं ना कहीं बूम कर पाए. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोस पे इतना सारा प्यार दिखाया और आपने इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मुझे दिए. थैंक यू सो मच, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है. तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें आपने बता रखा हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअली है क्या, कि हम अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, हम किसी को भी समझा नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग. सो गाइस, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या समझा था नेटवर्क मार्केटिंग से. आई मे बी रॉन्ग बट मैं ऐसा ही समझाऊँ बिजनेस, मुझे ऐसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, जो मैं समझाऊँ एक्चुअल में आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है. अब मार्केट में दो तरह की चीजें चल रही हैं, मार्केट में दो तरह की चीजें चल रही हैं, एक होती है मार्केटिंग, एक होती है सेल्स, ठीक है. अब बहुत सारे लोग इस चीज में ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार ये दोनों एक चीज है या फिर दोनों अलग अलग चीज है. सो मैं आज आपको एक पॉइंट तो अभी बिल्कुल जड़ से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है. नेट मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है. अब कैसे अलग है आइए देखते हैं. मैं अभी छोटे से एग्जाम्पल देकर बताता हूं आपको. मार्केटिंग होती है टू क्रिएट अवेयरनेस. मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की अवेयरनेस फैलाते हो लोगों में, ठीक है. और सेल्स में क्या होता है, प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, या तो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है, मनी एक्सचेंज हो जाती है, आपकी सर्विस एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन मार्केट में खाली आप अवेयरनेस फैलाते हो, ठीक है. अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की. भाई तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा. गाइस देखो, नाम से ही पता लग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपका जो नेटवर्क बनता है वो आपके लिए मार्केटिंग करता है और उसके बाद कंपनी आपको कमीशन देती है. अब भी समझ नहीं आया यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, ढंग से समझाओ. चलो मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको. अब एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ना बात करूं, आज मैं बात करता हूं होंडा की. होंडा ने एक नई कार निकाली, ठीक है. अब उसको इंडिया में लोगों को दिखाना है तो वो कैसे करता है, या तो सलमान खान को पकड़ेगा, या वो अक्षय कुमार को पकड़ेगा, या फिर वो शाहरुख खान को पकड़ेगा, या अमिताभ बच्चन को पकड़ेगा, मतलब कोई ऐसा इंसान पकड़ेगा जिसे लोग जानते हो, ठीक है. देखो आज शाहरुख खान का मार्केट की अगर बात करें ना, शाहरुख खान बहुत अच्छी मार्केटिंग क्यों कर लेता है, क्योंकि उसके पास रीच है. अक्षय कुमार क्यों कर लेता है, उसके पास रीच है. सो होंडा को क्या चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास ऑलरेडी जनता हो और वो हमारी जो कार निकलेगी उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा दे, ठीक है. तो वो ये काम करेगा, यही काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बट वो बड़े बड़े स्टार्स को ना लेके हम जैसे कॉमन पीपल को उठाती है. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, आप मेरे जो ब्रांड है वो लोगों से अवेयर कराओ, लोगों को अवेयर कराओ उससे. अगर आपके थ्रू कोई अगर मेरा प्रोडक्ट बिकता है या फिर मेरी सर्विस बिकती है सो मैं आपको कमीशन दूंगी. समझ में आया. बीच में जितने भी रिटेलर्स होते हैं, बीच में सलमान खान, शाहरुख खान जितने भी होते हैं, जो ये कमीशन खा रहे होते हैं ना बीच में बैठ के, कंपनी वो सारा हटा देती है. हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल, मतलब ये कंपनी, ये कंज्यूमर और बीच में बैठे हैं हम एक लीगल कमीशन खाने बैठे हैं, जो कंपनी से प्रोडक्ट उठाएंगे, अपने कस्टमर तक पहुंचा देंगे और हमें कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से, ठीक है. अब जो बीच में इतनी बड़ी चैन बन रही थी, लोग बात कहते हैं चैन सिस्टम है, मैं कहता हूं चैन सिस्टम तो सब जगह है. आज आप अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना तो उसमें भी चैन बनी पड़ी है, कंपनी से निकलती है, उसके बाद रिटेलर के पास, होलसेलर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाती है, फिर छोटे शॉप्स पे जाती है, तब जाके आपको कोई मिलता है, वो चैन नहीं बन रही क्या, वो भी तो चैन सिस्टम ही है. सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है ये अगर कोई इसको एथिकल वे में करे, ठीक है. आपको कमीशन बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होता चला जाएगा आप यहाँ पे कमीशन आपका उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क उतना ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग आप करोगे और आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में ऊपर होते चले जाओगे. आपको इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी या आपको सेल्स करनी पड़ेगी. मैं बता दूं आपको दोनों चीज़ें इस बिजनेस में करनी पड़ेंगी, ठीक है. 90% आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लिसन मी केयरफुली, 90% आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ 10% आपको सेल्स भी कभी कभी करनी पड़ेगी, ठीक है. देखो सेल्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जब आप मार्केटिंग कर लेते हो ना सेल्स तो फिर चुटकी भर का काम है, ठीक है. अब मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग होगी कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ.
मार्केटिंग मींस होता है टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से एसोसिएटेड हूँ, सो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके बिजनेस है, उसका जो लोगो है या पूरा जो ब्रांड है जो फॉरएवर, मैं उसकी मार्केटिंग करता हूँ। किसके साथ साथ? अपनी मार्केटिंग के साथ साथ। पहले शुभम की मार्केटिंग होती है, शुभम के बाद शुभम के पीछे जो बैकबोन बैठी है, जो उसकी फॉरएवर कंपनी है, उसकी मार्केटिंग होती है। सो मुझे क्या करना है, मुझे लोगों के साथ अवेयरनेस फैलानी है कि यार फॉरएवर नाम की भी एक कंपनी है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, आप उसके साथ बिजनेस भी कर सकते हो। आपकी पेट की प्रॉब्लम है, फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपके पास, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसके पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं खाली फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, पर सारी कंपनीज अच्छी होती हैं, मैं गाइस बता रहा हूँ, वो तभी मार्केट में टिकी होती हैं। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस बिजनेस, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। कंपनी येरी, जनता सारी येरी, बीच में आप बैठे हो, कंपनी से पूछो क्या करना है और बता दो, कंपनी से पूछो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और लोगों से शेयर करना स्टार्ट कर दो। आपको अवेयरनेस फैलानी है, दैट्स इट। 90% सिर्फ मार्केटिंग ही करनी है आपको इस बिजनेस में। पहले खुद की मार्केटिंग करो, फिर प्रोडक्ट्स और सर्विस की मार्केटिंग करो, बिजनेस ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको एक एथिकल वे में करोगे तभी रिजल्ट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू अनएथिकल वे से अगर आप करोगे। लीगल पैसा कमाने का ये बहुत आसान तरीका है। कंपनी ये बैठी है, सारी हेडक कंपनी की है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी डिलीवरी करेगी, कंपनी सब कुछ करेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है। अगर आप अवेयर कर देते हो कि सामने वाले को, अगर वो इंटरेस्टेड होता है, वो भी अगर प्रोडक्ट्स लेना चाहता है या फिर सर्विस लेना चाहता है, कंपनी आपको कमीशन देती है। सो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कमीशन ले सकते हो, कंपनी से भी, कस्टमर से भी और अपने नेटवर्क से भी। सो गाइज, मैं एट द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में ना एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करके जरूर देखना, चाहे कोई सी भी कंपनी के साथ करो, लेकिन टीम अच्छी होनी चाहिए। अच्छी टीम के साथ कंपनी कोई भी हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बिजनेस करके देखो एक बार, लिटरली बहुत कुछ सीख जाओगे आप यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल भी नहीं हुए ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सीख जाओगे जो लाइफ टाइम आपको याद रहेंगी, और लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपकी वो हेल्प करेगी। सो गाइज, इफ यू एट द एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आर कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड एट द एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।